welcome to governmentjobspreparation.com. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10, past indefinite या past simple आप इसको बोल सकते हैं। देखिए past indefinite हमारा क्या टेंस होता है, जो चीज हो चुकी है या हमारा अतीत है, जो चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज मैं अपने कॉलेज के सामने से गुजरा, past था कि आज मैं अपने कॉलेज के सामने से गुजरा। पास्ट सिंपल में हम कुछ चीजें, जैसे कि मैं अगर सिंपली बोलूं कि मैं बीमार थी, I was ill, I was sick, तो ये भी हमारा पास्ट का ही होता है हिस्सा, जिसमें हम पास्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि I was ill, एंड अगर हम was के बाद कोई वर्ब लगाते हैं तो वो एक अलग सेंस, वो हमारे सीधे चैप्टर बनते हैं, वो हमारे टेंसेस की बात होती है। लेकिन अगर हम सिंपली किसी नाउन का वर्ड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कभी कभी was लगा दिया या were लगा दिया। ठीक है, सेंटेंस बनाने से पहले इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। पास्ट इंडेफिनेट की पहचान होती है जो भी सेंटेंस हमारा आ ए ई की साउंड पे खत्म होता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है मैं अपने कॉलेज के सामने से गुजरा, लास्ट में क्या साउंड आया, आ का, छोड़ा फिर आ का साउंड आया, या दिया, गया, गई, इस तरीके से जब साउंड आएगी पीछे वो हमारे प्रेजेंट डेफिनेट होंगे, क्योंकि वो जो साउंड होते हैं वो बीते हुए कल की बात हो रही होती है। इसके रूल हैं, सिंपल से इसके दो रूल हैं, उनको याद कर लेना। फर्स्ट रूल उसका कहता है कि जहां भी सिंपल सेंटेंस देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड रूल कहता है जहां भी डिड का इस्तेमाल होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। जब भी डिड कहीं भी लगेगा तो वहां पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। और डिड हम हमेशा इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, नॉट हमेशा, नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। यानी कि डिड के जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद ही नॉट आएगा। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं, डिडंट। कुछ लोग उसको डिडंट कहते हैं, वो गलत है, इसकी सही प्रोनंसिएशन है डिडंट। सेंटेंस नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, आज मैं अपने कॉलेज के सामने से गुजरा। पॉजिटिव सेंटेंस है, आई क्रॉस माई वे इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। हमने आई के साथ सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाकी सेंटेंस जो हिंदी में लिखा है उसी को हमने इंग्लिश में बना दिया। सेकेंड सेंटेंस, मैंने उसे मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा, नेगेटिव सेंटेंस है। किसने नहीं छोड़ा, मैंने, आई। इन सभी के साथ, जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ डिड का इस्तेमाल होगा। आई डिड नॉट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डिडंट, आई डिडंट। अब डिड है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। आई डिडंट लीव हर और लीव हिम अलोन बैड टाइम या फिर डिफिकल्ट टाइम। दूसरे सेंस में हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई डिडंट लीव हर इन लर्च। यहां तक ये सेंटेंस सेम रहेगा, यहां तक आई डिडंट लीव हर, उसके बाद ये ना लगकर इन लर्च। सेंटेंस नंबर थ्री, मेरा हाथ दरवाजे में भिज गया। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, देखिए कैसे। माई हैंड वॉज कंप्रेस्ड इन द डोर और आई गॉट माई हैंड कंप्रेस्ड इन द डोर। सेंटेंस नंबर फोर, मैं अपने भाई के सामने वह भीगी बिल्ली बन गया। ही बिकेम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही बिकेम सबमिसिव इन फ्रंट ऑफ हिज ब्रदर। तुमने तो मेरा डर ही भगा दिया। यू एक्सपेल माई फियर, मैंने अपना गुस्सा तुम पर उतार दिया। I vented my spleen on you. So friends, ये था हमारा past indefinite, past simple tense, lesson number 10. Lesson number 11 में नए टेंस के साथ मिलेंगे, नई अच्छी अच्छी vocabularies के साथ मिलेंगे, नए sentences के साथ मिलेंगे। By the time अच्छे अच्छे sentences की practice कीजिए, फिर भी कोई doubt होता है तो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। By the time keep learning and keep practicing. Thank you.